अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये है 11 साला नूर फातिमा जो अपनी माँ और बहन की परवरिश और उनकी देखभाल के लिए चिंची रिक्शा चलाती हैं। इस छोटी सी बच्ची की उम्र किताबें हाथों में थाम कर बस्ता कमर पर लाद कर स्कूल में जाने की है। 2013 में इनके वालिद साहब का रोड एक्सीडेंट हुआ। वो घर से आटा लेने गए और एक नामालूम गाड़ी ने उनको कुचल दिया। आज तक उनके कातिल का पता ना चला। उसके बाद माँ ने तीन बेटियों की परवरिश के लिए शॉपर बेचना शुरू कर दिए। लोगों के घरों में काम किया, सिलाई कढ़ाई करके अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी अपनी मेहनत मुशक्कत से की। अब दो बेटियों की परवरिश बड़े अच्छे तरीके से कर रही थी कि 7 माह पहले इनका भी रोड एक्सीडेंट हुआ और इनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई। उसका इलाज करवाने के लिए भी इनके पास पैसे ना थे, तो ये छोटी नूर फातिमा एक नूर बनकर माँ के लिए और बहन के लिए सर पर मेहनत का अजम बांधा और किस्तों पर चिंची रिक्शा लिया और सुबह 7 बजे से रात 10-11 बजे तक रिक्शा चलाती हैं, मेहनत मजदूरी करती हैं, हक हलाल की कमाई से माँ और बहन की देखभाल कर रही हैं। इनके पास रहने के लिए छत भी नहीं है, एक छोटे से किराए के मकान में रहती हैं जिसका रेंट 5,000 रुपए है। जिस मोहल्ले में रहती हैं, मोहल्लेदारों ने इनसे भरपूर तामुन किया और इनको यहाँ रहने की जगह दी और कहा गया कि अगर आप अपना कोई मकान बनाना चाहते हैं तो इस प्लॉट पर बना सकते हैं। ये महकमा लेबर की जमीन है जिस पर इन्होंने 4 दीवारी खड़ी की, तो महकमा लेबर ने आकर उसको तोड़ दिया। बहुत से लोगों के माइंड में ये ख्याल होगा कि ये पॉजिटिव एंड रियल फेस ऑफ पाकिस्तान नहीं है बल्कि ये क्राइम है। बेशक ये क्राइम है, ये अंडर एज है, छोटी उम्र है, इस उम्र में इनको लाइसेंस भी नहीं मिल सकता और इतनी छोटी बच्ची रिक्शा कैसे चला सकती है। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि इस बच्ची को अडॉप्ट करती। जब रियासत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो ये रियासत जुर्म कर रही है। इन्होंने अपने पेट की भूख मिटाने के लिए, माँ की देखभाल के लिए, बहन की देखभाल के लिए मेहनत मजदूरी करनी है और ये हमेशा करती रहेंगी। 20वीं सदी में जब ये बाहर निकलती हैं, तो बहुत से भेड़िये इनको खौफनाक नजरों से देखते भी होंगे, इनको तंग भी करते होंगे, लेकिन ये तंग तनहा कैसे घर से निकलती हैं। ये बेटियां ही हैं जो माँ बाप का सहारा बनती हैं। ये यतीम बच्ची किस तरीके से मेहनत मजदूरी कर रही है, ये अपने अंदर एक दास्तां है। सुबह कितने बजे आप रिक्शा लेके निकलती हैं? 7 बजे। और वापस कितने बजे आती हैं? 5 बजे। ठंड नहीं लगती? इतनी ठंड है, धुंध है, आपकी उम्र तो स्कूल जाने की है, तो माँ और बहन के लिए काम करती हैं, खुशी महसूस होती है? खुशी महसूस होती है। घर जाते हैं, बहन वास्ते भी खाना लेके जाते हैं, मामा वास्ते भी, जो कमाती मामा की तली में रखती। जी कह रही है जो कमाती हूँ वो मामा को दे देती हूँ, और खुशी महसूस होती है जब अपनी मेहनत की कमाई से अम्मी के लिए और बहन के लिए खाना लेकर जाती हूँ। तो दिन का कितना कमा लेती हैं आप? 200-300 ले जाती हूँ। तो ये रिक्शा कैसे लिया है? किस्तों पर। कितनी किस्त है इसकी? 5,000। 5,000 किस्त एक महीने बाद दे देती है? नहीं, कुछ मामा भी देती है, कुछ मैं भी देती हूँ। तो जब ये खराब हो जाता होगा तो इसकी मेंटेनेंस कैसे करती है? खुद कर लेती है? जो प्लग प्लुग है वो तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, तब ना हो तो फिर फरी शॉप में ले जाती हूँ। की माजी हैं जिनका नाम अनवर परवीन साहिबा है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया बल्कि लोगों के घरों में काम किए, सिलाई कढ़ाई का काम किया, हक हलाल की मेहनत मजदूरी की कमाई से अपनी बच्चियों को पाला, बड़ी बेटी की शादी की, शॉपर लेकर आती हैं सुबह सवेरे मंडी जाकर और यहाँ परचून की दुकानों पर उन शॉपर्स को बेचती हैं और दिन का 100-200 रुपया कमा लेती हैं। आपके हस्बैंड की डेथ कब हुई थी? 7 साल हो चले। आटा रहन गए जाने, मोटरसाइकिल ते गए ने, एक्सीडेंट हो गया। बच्चियां यतीम हो गई तो फिर आप पे तो एक भारी जिम्मेदारी पड़ गई। कोई बेटा नहीं था आपका? नहीं, ना बेटा है, बेटा तो है ही नहीं। मैं आपका बेटा हूँ। ये पूरे पाकिस्तान के लोग जो आपको सुन रहे हैं ये आपके बेटे हैं। अल्लाह पाक तंदरुस्ती दे उन्होंने, अल्लाह पाक उन्होंने इतना दे किसी चीज की कमी ना हो। बेटी आपकी छोटी सी उम्र में ठंड में, गर्मी में, हब्स में, तूफान में बाहर जाती है, कहीं ना कहीं माँ को फिक्र तो होती है ना। बेटी है तो जवान ही, 11 साल की, 12 साल की, और छोटी सी नन्ही सी गली आपके लिए कमा के लाती है, तो जब निवाले खिलाती है खुशी होती है? बहुत ज्यादा खुशी होती है जो लैके आती है, जो घरों जाती है तो बड़े परेशान होने। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है। बहुत वड्डी मजबूरी करके ते मैं नहीं सी, दवाई जोगे भी मेरे को पैसे नहीं सी है, ते फिर बेचारी रिक्शा लैके दिता।
ये कह रही हैं कि अगर मुझे चोट ना लगती, मेरी खुले की हड्डी ना टूटती, तो मैं कभी भी अपनी बेटी को ये चिंची रिक्शा ना लेकर देती, सिर्फ एक मजबूरी बनी, तो जिसकी वजह से बच्ची को घर से बाहर निकाला गया। लेकिन जब बच्ची घर से बाहर जाती है तो मैं इंतहाई परेशान होती हूँ। ये बेटी नहीं है तो आपका फिर बेटा है? बिल्कुल जी, तां वास्ते तेनूं बच्चियां वाले कपड़े पा के तेनूं भेजी दा जां। पैगाम देना चाहे देखने वालों को तो आप दे सकती हैं। मेहरबानी करो, साढ़े ते साढ़े घर ते कोई खर्चा वगैरह भी नहीं है, बर्तन लई कोई किराया मकान दा किराया देना हुंदा, बड़ी टेंशन हुंदी है। बहुत से लोगों के माइंड में ख्याल होगा कि ये अंडर एज हैं और ये क्राइम कर रही हैं। ये क्राइम है, लेकिन ये क्राइम ये नहीं कर रही, ये क्राइम रियासत कर रही है। इस तरह की यतीम बच्चियों की जिम्मेदारी रियासत का काम है लेना। रियासत जब उस जिम्मेदारी को नहीं लेती तो बच्चों की भूख मिटाने के लिए, अपने तन पर कपड़ा पहनने के लिए, अपने सर पर छत रखने के लिए इस तरह की बच्चियां आगे आती हैं, अपनी माओं का, अपनी बहनों का ख्याल रखती हैं और पाकिस्तान का रियल एंड पॉजिटिव फेस पूरी दुनिया को दिखाती हैं। अगर कोई भी हुकूमती नुमाइंदा हमारी इस वीडियो को देख रहा है तो इनकी जो हेल्प आउट कर सकता है जरूर करें। इनका कॉन्टेक्ट नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोई अपने तौर पर इनकी हेल्प आउट करना चाहे तो जरूर करें। आखिर में मैं आपको एक स्टिकर दिखाता हूँ। निया जावेद लतीफ साहब इनके MNA हैं। ये छोटी सी बच्ची उनकी सपोर्टर है। क्या ही अच्छा हो अगर मियां जावेद लतीफ साहब जिनको ये सपोर्ट करती हैं उनको मियां साहब भी सपोर्ट करने लग जाएं। और इस हलके से वो 2 से 3 मर्तबा इलेक्ट हो चुके हैं और इस वक्त सिटिंग MNA है। इसके साथ साथ ये जो पीछे आप ईंटें देख रही हैं महकमा लेबर की जमीन पर, इसी इलाके के एक SHO खुरम डोगर साहब ने अपने जाती खर्च से, अपनी जाती जेब से इनको ईंटें फिकवा कर दी कि आप अपनी छत बना लें। लेकिन जब महकमा लेबर ने ये देखा कि दीवारें बुलंद हो चुकी हैं और छत इनके सर पर आ सकती है तो वो आकर इस तमाम की तमाम दीवारों को गिराकर चले गए। कानूनी तौर पर उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन इखलाकी और इंसानी बुनियादों पर यहाँ क्या जाता था? ये सारे प्लॉट्स खाली पड़े हैं। अगर ये यहाँ पर इनको रहने की जगह मिल जाती, ये भुट्टो कॉलोनी है और जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने यहाँ पर मौजूद उन तमाम लोगों को उस दौर में फ्री ऑफ कॉस्ट ये मकान अलॉट किए थे। आज वो तमाम के तमाम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन इनका क्या हक है कि ये रियासत मदीना के दौर में यहाँ पर रह रही हैं? इनके सर पर छत नहीं होनी चाहिए? ये वो तमाम सवालात हैं वो जो चीख चीख कर नूर फातिमा की कहानी को हमारे हुक्मरानों को मुंह चढ़ाने की सूरत में बयान कर रहे हैं। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी, हैरत अंगेज टैलेंट है तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके इस कॉन्टेंट को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अल्लाह हाफिज़।